हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। बट लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोशन क्या है और उसका सिंपलेस्ट टाइप दैट इज़ लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन के दो टाइप हमने डिस्कस किए थे। ओके, फॉर मोर डिटेल यू कैन रिफर माई वीडियो ऑन मोशन। ओके, देख लेते हैं क्या है मोशन। मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पहुंचना, मीन्स उसका अपनी पोजीशन चेंज करना एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसे हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन शो कर रहा है। एंड व्हाट इज़ लीनियर मोशन? लीनियर मोशन ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है या एक सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम उसे हम कहते हैं कि वो लीनियर मोशन शो कर रहा है। उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक कार अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन और इन सेम डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि कार लीनियर मोशन शो कर रही है। बट आज हम और कुछ टाइप ऑफ मोशंस देखेंगे। सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑसिलेटरी मोशन। वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, ऑसिलेट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग कम बैक मोशन शो करना। सपोज कीजिए हम एक पार्क में जाते हैं और एक बेबी स्विंग पर बैठा है। ओके, तो स्विंग कैसा मोशन शो करेगा? स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, मीन्स ये इस एंड से लेके इस एंड तक, इस एंड से लेके इस एंड तक कम एंड बैक मोशन शो करेगा। इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, द मोमेंट ऑफ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। कैन यू इमेजिन मोर टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एग्जाम्पल्स? यस, लेट्स डिस्कस। यहाँ पर जो निडल है स्विंग मशीन की, वो भी एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कम बैक मोशन शो कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि द निडल ऑफ स्विंग मशीन शोइंग ऑसिलेटरी मोशन। ट्विनिंग फॉर्क, ट्विनिंग फॉर्क को भी जब हम अपने प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्टेम्स हैं वो ऑसिलेट होती हैं, दैट वी कैन से दैट इट शो द ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली पेंडुलम क्लॉक को अगर हम देखें तो वो भी, उसका जो पेंडुलम है वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट, देन अगेन इस तरह का मोशन शो करता है। तो जो भी मोशन इस तरीके के हैं जो एक ही पॉइंट से कम बैक मोशन, या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन शो करते हैं, उसे हम कहते हैं इट्स शोइंग ऑसिलेटरी मोशन। उसकी डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग और स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। बट अगर हम ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करें, इन दोनों एग्जाम्पल्स में तो ठीक है, अगर मैं स्विंग ऑफ निडल जो है मेरी मशीन की, अगर मैं स्पीड कम करूँगी तो ऑसिलेशन धीरे धीरे होंगे, अगर मैं स्पीड ज़्यादा रखूँगी तो ऑसिलेशन फास्ट होंगे, सिमिलरली इन दैट केस ऑल्सो। बट पेंडुलम क्लॉक को अगर हम देखें तो वो इक्वल इंटरवल में ही ऑसिलेशन शो करती है, मीन जितने 1 सेकेंड में वो इधर आएगी, देन 1 सेकेंड में इधर, देन 1 सेकेंड में इधर। तो इस टाइप का ऑसिलेटरी मोशन या ऐसा कोई भी मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को चेंज कर रहा है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन विथ अ फिक्स पीरियड, यानी एक फिक्स पीरियड के बाद वो उसी पॉइंट पर वापस आएगा, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स से हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए वॉच का ये जो सेकेंड हैंड है वो हर सेकेंड मूव हो रहा है। ओके, इट मूविंग लाइक दिस, एंड आफ्टर 1 मिनट वो इस सेम पॉइंट पर आएगा, आफ्टर अनादर 1 मिनट वो इस सेम पॉइंट पर आएगा, इसी तरह वो हर 1 मिनट के बाद इसी सेम पॉइंट पर आकर अपना मोशन शो करेगा। तो इस टाइप के मोशन जो अपने आप को एक इक्वल इंटरवल में रिपीट करते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर हम इन फैन की स्पीड एक पॉइंट पर 2, 3, 4 व्हाटएवर एक पॉइंट पर सेट कर दे, तो ये फैन के जो ब्लेड्स हैं वो भी पीरियोडिक मोशन शो करेंगे। फैन के ब्लेड्स पीरियोडिक मोशन शो करेंगे, फैन नहीं, बिकॉज फैन कहीं नहीं जा रहा है, फैन वहीं है, उसके जो ब्लेड्स हैं वो पीरियोडिक मोशन शो करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक ही टाइप के एग्जाम्पल्स में दो मोशन हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और टाइप का मोशन हो रहा है
वो क्या देखते हैं. सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसिडर करती हूँ. ओके यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, ये पॉइंट वापस इधर आएगा आफ्टर शोइंग अ सर्कुलर पाथ, अगेन वो पॉइंट वापस यहाँ पर आएगा आफ्टर शोइंग अ सर्कुलर पाथ. तो ऐसे टाइप के मोशन जो एक सर्कुलर पाथ शो करते हैं उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, जो कि आप इस वॉच में भी देख सकते हैं. यहाँ पर हम इसका कोई भी हैंड कंसिडर करें, वो एक पॉइंट अगर हम उसके हैंड पर लें तो वो पॉइंट सर्कुलर पाथ ही शो करेगा. तो ऐसी चीज़ें जो एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग मूव होती हैं उसे हम कह सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन शो कर रही हैं. ओके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. यहाँ पर जो भी हम जॉइंट फील देख रहे हैं, सपोज कीजिए ये पर्सन है, ये यहाँ से लेके डाउन आएगा. ओके देन इट विल गो अप, मीन्स ये कौन सा मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन. यहाँ पर जो साइकिल के व्हील्स हैं वो भी कौन सा मोशन शो करेंगे, सर्कुलर मोशन. ओके नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन वी डिस्कस इज रैंडम मोशन. रैंडम मोशन क्या है, सपोज कीजिए आप एक पार्क में घूमने गए हैं, वहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई दिखी एंड यू वॉन्ट टू कैच द बटरफ्लाई. तो क्या बटरफ्लाई एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी? नो, बटरफ्लाई फ्लावर टू फ्लावर जंप करेगी यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, और आप भी उसको चेस करने के लिए उसे फॉलो करते जाएंगे. तो जो बटरफ्लाई मोशन शो कर रही है उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन, जो कि ना एक फिक्स इंटरवल, ना ही फिक्स टाइम, ना ही फिक्स पाथ शो करे. ऐसे टाइप के मोशन को हम बोल सकते हैं कि वो रैंडम मोशन शो कर रहे हैं. या तो प्लेयर्स जो हैं फुटबॉल प्लेइंग प्लेयर्स जो हैं वो जहाँ बॉल जाएगी वहाँ मूव करेंगे, उनके अलावा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल नहीं होता है. जो ऐसे मोशंस हैं जो किसी टाइम इंटरवल या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो नहीं करते हैं, रैंडमली होते हैं, उस टाइप के मोशन को हम कह सकते हैं कि वो रैंडम मोशन शो कर रहा है. डेफिनेशन देख लेते हैं. मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअली इज कॉल्ड रैंडम मोशन. ओके आई होप ये सारे टाइप के मोशंस आपको समझ में आ गए होंगे. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस वीडियो कि कई बार जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि एक ही टाइप के मोशन में एक से ज़्यादा मोशन शो होते हैं. आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा. बट वेट वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, ये तो हो रहे हैं सारे मोशंस, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जिनकी वजह से मोशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो. आई होप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.